फर्स्ट तो आपको अपना फेस क्लीन कर देना है, देन एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करूँगी, डायरेक्ट आप यूज़ करना ही मत वरना कट हो सकता है आपका फेस। एंड ये वाला जो मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ वो बहुत 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 तीखा तीखा बोलते हैं ना वो है, तो आप डेफिनेटली, एंड आपके हेयर ऑब्वियसली आपके हेयर इस डायरेक्शन में, तो आपको जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हो उस डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो जैसे कि ये वाला ऐसे, तो इस डायरेक्शन में आपके हेयर होंगे, यहाँ से मैं करूँगी एंड हल्के हाथों से मैं हेयर लूँगी। वैसे तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है टिश्यू लेके फिर इसमें आपको रब करना है वाला, धीरे धीरे आपको करना है। आपको मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा अगेन, यहाँ से नीचे से आपको पकड़ना है, इसलिए मेकअप वाले फेस पे आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, ओनली लिपस्टिक ही अप्लाई किए, तो इसका ध्यान रखो हल्के हाथों से करना है, डायरेक्टली नहीं करना है वरना कट हो सकता। तो आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, बट हल्के हाथों से ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ करूँगी, ऐसे पकड़ना है आपको एंड केयरफुली यूज करना है। मैं लास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूँ बट मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। आईब्रो के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह का रीजन है, तो इससे क्या होगा आप बीच वाले हेयर यूज कर सकते हो, यहाँ के हेयर है तो इससे भी आप ये वाला कर सकते हो, वो तो नहीं हो तो डेफिनेटली आप इससे कर सकते हो, बट केयरफुली यूज़ करना है ये रेज़र को। मतलब रेज़र को आपको अच्छे से क्लीन कर देना है, देन वॉश करके सूखने के बाद रख देना है। मैंने वॉश कर दिया, अब मैं एलोवेरा जेल अगेन अप्लाई कर दूँगी। आप मॉइस्चराइजिंग भी यूज़ कर सकते हो बट मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर दूँगी। ओके, तो ये मेरा रूटीन था फेस रेजर का, आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। ओके, तो हेयर की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा है तो मैं यूज़ करती हूँ, आप वीक में 1 टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो मंथ में 1 बार कर सकते हो, बट वीक में भी कर सकते हो, रेगुलर यूज़ नहीं करना है। ओके, तो मुझे पिंपल्स की भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, यूज़ करने के बाद पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है हेयर जेल। तो मैंने अच्छे से एलोवेरा जेल अप्लाई कर दिया है अच्छे से, तो ये मेरा सिंपल रूटीन।